डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद पे खुद पास आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप सब बार बार मैसेज और कॉल करके हमसे पूछा करते थे, और जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन सभी के मन में ये प्रश्न बार बार उठती रहती है। सर, इज इट पॉसिबल कि हम गवर्नमेंट जॉब के साथ बीटेक कर सकते हैं? तो इसी पर हम आज लोग चर्चा करेंगे, क्या जॉब के साथ बीटेक कर सकते हैं, और जॉब के साथ बीटेक करते हैं तो कॉलेज कैसा सर्टिफाइड होना चाहिए? आप सभी को पता होगा इंडिया में जो टेक्निकल डिग्री होता है बीटेक का, वो आपको दिया जाता है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जो अप्रूव्ड होती है, उसी कॉलेज से आप लोग बीटेक का डिग्री ले सकते हैं, और वही कॉलेज वही डिग्री आपको पूरे इंडिया में वैलिड होती है। तो इसलिए आप लोग कहीं से भी बीटेक करें, चाहे वो डिप्लोमा के बाद बीटेक आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग एक लेटरल इंट्री से कर सकते हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर में आपका एडमिशन होगी। सेकंड ईयर में एडमिशन आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होती है। तो आप लोग ये कन्फर्म हो लें कि वो कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है कि नहीं। तो चलिए आपका प्रश्न जो है हम उस मुद्दे पर आते हैं। बीटेक तीन टाइप से होता है इंडिया में, आप सभी को पता होगा। बीटेक आप लोग तीन तरीक़े से कर सकते हैं, एक रेगुलर बीटेक होता है, पार्ट टाइम बीटेक होता है, डिस्टेंस बीटेक होता है। तो सभी को हम विस्तार से समझाने का कोशिश करते हैं। रेगुलर बीटेक और जॉब ये आप लोग नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। रेगुलर बीटेक आप लोग कीजिएगा डिप्लोमा के बाद जॉब के साथ, तो ये संभव नहीं है। हाँ, विदाउट जॉब आप लोग रेगुलर बीटेक कर सकते हैं। सेकेंड में आता है, यानी पहला ऑप्शन आप लोग आप सभी के लिए बंद हो गया जो जॉब कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है पार्ट टाइम बीटेक, जॉब के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो शाम को इवनिंग टाइम में अपना सेशन रखते हैं, क्लास लेते हैं, वैसे कॉलेज पार्ट टाइम बीटेक की डिग्री देते हैं। यह विदाउट जॉब भी आप लोग कर सकते हैं और जॉब के साथ भी कर सकते हैं। थर्ड आपका डिग्री आती है डिस्टेंस बीटेक, जो कि जॉब के साथ भी नहीं आप लोग वैलिड हैं और बिना जॉब के साथ वैलिड नहीं है डिस्टेंस बीटेक, क्योंकि एज पर सुप्रीम कोर्ट डिस्टेंस बीटेक इज नॉट वैलिड। हमारे इंडिया में डिस्टेंस बीटेक को नहीं वैलिड किया गया है। और कुछ क्वेश्चन आया है हमारे स्टूडेंट के द्वारा, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक स्टूडेंट हैं जो SSC JEE में सेलेक्टेड हूँ, डिप्लोमा के बाद बीटेक कैसे करें? तो डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करने का तीन तरीका ऊपर बताया गया है, आप पार्ट टाइम बीटेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, चाहे आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप CPWD में हो या PGCIL में आप JEE हो, NTPC में JEE हो, सेल में आप यदि जॉब करते हो, तो आप सभी के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, पार्ट टाइम बीटेक। या पार्ट टाइम बीटेक आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो पार्ट टाइम बीटेक उसी कॉलेज से आप लोग कर सकते हैं जहां आपको जॉब लोकेशन होगा, वहां से 30 किलोमीटर के अंदर में वो कॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो DRDO में जॉब करते हों, BARC में जॉब करते हों, स्टेट JEE हो, NHPC JEE हो, टेक्निकल असिस्टेंट हो, या रेलवे में JEE हो। हाँ, रेलवे का एक होता है एजुकेशन लीव, उसमें आप लोग 2 साल का एजुकेशन लीव ले सकते हैं रेलवे एम्प्लॉय, आप अपना स्टडी को आगे जारी रखने के लिए। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद बीटेक। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, कुछ न्यूज़पेपर में आया था कि बीटेक डिप्लोमा वाले के बीटेक कैसे करें। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर जारी किया था, गवर्नमेंट की तरफ से एक दिशा निर्देश दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहाँ देखे हो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें खाली रह जा रही है, और उसे मतलब भरने के लिए ये निर्णय लिया गया है। AICTE अध्यक्ष ने कहा, डिप्लोमा धारियों को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका, तोहफा देख सकते हैं न्यूज़ में दिया गया है। कामकाजी पेशेवर अब शाम की कक्षाओं में पूरा कर सकेंगे,
यानी शाम का क्लास करके आप लोग बीटेक का डिग्री ले सकते हैं। न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं क्या इसमें कहा जा रहा है। घर की मजबूरियाँ, कामकाज की वजह से अगर कोई युवा बीटेक डिग्री नहीं पूरा कर सकता है, किन्हीं कारणों से सिर्फ डिप्लोमा करके ही नौकरी शुरू करनी पड़ी, वह चाहकर भी डिग्री हासिल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे युवाओं के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तोहफा दिया है। अब वे संध्याकालीन कक्षाओं के जरिए बीटेक डिग्री पूरी कर सकते हैं, यानी यह कन्फर्म हो गया कि आप लोग पार्ट टाइम डिग्री के लिए वैलिड हैं। बस इसके लिए आप लोगों को अपने जो डिपार्टमेंट हैं उनसे परमिशन लेने पड़ेगा। ये देखिए नोटिस निकला हुआ है AICTC के द्वारा, इसको आप लोग केयरफुली रीड भी कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए हैं, बीटेक में LE के थ्रू वो एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। और इसका जो कॉलेज है हम कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे कि किस किस कॉलेज से आप लोग पार्ट टाइम बीटेक कर सकते हैं पूरा ओवरऑल इंडिया में। अब इसके बाद आगे देखते हैं, एक स्टूडेंट पूछे हैं डिप्लोमा के बाद बीटेक करने से क्या फ़ायदा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिप्लोमा के बाद बीटेक करने से क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, डिप्लोमा ग्रेजुएट लेवल की डिग्री नहीं है, ग्रेजुएट लेवल की डिग्री आपको बीटेक होती है। बीटेक आप लोग कर लेते हैं तो इससे आपको बेनिफिट होगी कि आप गेट की तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद UPSC का लिए आप वैलिड हो जाते हैं, स्टेट PCS के लिए आप लोग वैलिड हो जाते हैं। इसके अलावा अदर कोई भी जनरल कंपटीशन है वो भी आप लोग फिलअप फॉर्म कर सकते हैं। आपके जो रहता है दरवाज़ा वो मतलब ज़्यादा मात्रा में खुल जाती है, आपका स्कोप बढ़ जाता है बीटेक करने से। डिप्लोमा के बाद जॉब के साथ गेट की तैयारी करना ठीक रहेगी, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, डिप्लोमा के बाद जॉब के साथ गेट की तैयारी करना ठीक रहेगा। तो मेरे ख्याल से जितना ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज स्टूडेंट सारे रहते हैं। डिप्लोमा के बाद यदि आप गेट की तैयारी करते हैं बीटेक करके, तो ये संभव नहीं है कि आप लोग बीटेक भी करें और उसका गेट का भी तैयारी करें। आप लोग जनरल जो मतलब जो जॉब नहीं कर रहे हैं वैसे कैंडिडेट, उनसे आप लोग लैगिंग नॉलेज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगा, जितने भी जॉब हैं वो गेट की तैयारी ना करके UPSC या PCS की तैयारी करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या करना है नहीं करना ये आपको डिसीजन लेना है, ये मेरा एडवाइस था। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि सर मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं और रेगुलर से बीटेक डिग्री कर रहा हूं, क्या यह लीगल है? बिल्कुल नहीं, यह लीगल नहीं है, आप इसमें फंस जाइएगा। यदि कोई भी आपको बताता है कि हम डिग्री दिलवा देंगे, जॉब तुम कर रहा है और हम डिग्री बीटेक का दिलवा देंगे कुछ पैसा लेकर, तो गलत बात ही कर रहा है, वो आपसे पैसा भी ठग लेगा और आपका डिग्री भी वैलिड नहीं रहेगी। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।